और मैं सीनियर क्लास वन अफसर कह रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से, हमें तो यहाँ कभी कोई गलत काम देखा नहीं और मेरा सारा परिवार जुड़ा हुआ है यहाँ पे। जो मानवता भलाई के कार्य किए हुए हैं जिससे युवा जो पीढ़ी है उनको अच्छे काम करने की प्रेरणा मिलती है और वो नशे से दूर रहें, मानवता भलाई के कार्य करें जिससे समाज का सुधार हो। यहाँ हमने कभी कोई गलत कार्य नहीं देखा, जितनी माँ बहनें यहाँ सुरक्षित हैं कहीं पर भी नहीं है। किस तरह से गुरु जी संत जी लोगों का नशा छुड़वाते थे या समाज में जो बुराइयाँ हैं, कन्या भ्रूण हत्या है, वैश्यवृत्ति है, रेप केसेस हैं, इतनी सारी कुरीतियाँ हैं, किस तरह से उन्होंने समाज से ख़त्म की थी? उन्होंने जो अपने विचारों से सत्संग लगा के हर शहर में ये जैसे मानवता भलाई कार्य के जितने हमारे 134 कार्य है उसके बारे में उन्होंने जागरूक किया है। हर स्टेट में गए वो, जैसे बॉम्बे, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब जगह जाके पहले सफाई अभियान किया, उसके बाद सत्संग किया, काफ़ी लोग प्रभावित होकर जुड़े उससे। जो नशा था समाज में, लोग बुरे बुरे जो जैसे बुराई है जैसे शराब, अफीम है, गांजा है, तो पीते थे युवा लोग, वो उससे छुटकारा मिल गया उनको। कोई ऐसी उनमें प्रेरणा शक्ति है जिससे उनके विचार सुनकर आगे जो नवा जो पीढ़ी डेरा सच्चा से जुड़ी है। क्या आज समाज को उनकी ज़रूरत है? बिल्कुल बिल्कुल समाज की ज़रूरत है। जो अब हो रहा है देख लो, पंजाब में देख लो, ये क्या चाइना में क्या हो रहा है। चाइना में पिताजी ने पहले ही बोल दिया था भाई, जो आप वहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चों का भ्रूण अचार के रूप में खाते थे वो, अब वो वायरस ऐसा आ गया, पिताजी ने पहले वचन कर दिए थे भाई ऐसा आएगा, लोगों को बचना मुश्किल हो जाएगा यदि वो नशा नहीं छोड़ेंगे और ऐसा जो भ्रूण हत्या नहीं करेंगे तो यही हाल होगा। ओके सर, डेरा की बात करते हैं, डेरा के अंदर किस तरह का माहौल है और गुरुजी वहाँ क्या सत्संगों में शिक्षा देते हैं? जो पिताजी तो ये शिक्षा देते हैं भाई अच्छे काम करो, नशा मुक्ति सबको बताओ भाई ये बीमारी की जड़ है, इससे शरीर को नुकसान होता है। आप और जैसे अपना सात्विक खाना है वो खाओ, जैसे मीट, अंडा, शराब, इसको तो बिल्कुल त्यागते हैं वो और प्रेरणा देते हैं सबको। और जो युवा पीढ़ी बढ़ चढ़ के आगे आ रही, अब भी देख लो आप जरा सच जाके संगत तो कोई नहीं टूटी है। सर उनके ऊपर आरोप भी लगे हुए हैं, इसके बारे में क्या कहना? उसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये सब जो शराब माफी है जिनको इससे नफरत थी भाई हमारा तो धंधा बंद हो गया, उन्होंने सब किस किया कुछ, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई उन पर प्रूफ नहीं है, ये तो जानबूझ के किया भाई, क्यों ये जुड़ रहे हैं लोग सच्चा चौथा से। लास्ट में हमारे माध्यम से सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो ये कहेंगे भाई वो जल्दी से जल्दी इसकी इंक्वायरी करवाएं भाई, उसमें सच्चाई तो कुछ नहीं है, ये थोड़ी झूठे आरोप लगा के आज तक वो साथ मिले नहीं, कहाँ है वो, जबकि वो बयान दे रही है भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये एक गुमनाम चिट्ठी पे सब कुछ किया गया, इसकी तो सरकार को सही पता करना चाहिए ना। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रियलिटी डेरा सच्चा सौदा की, सर डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी की।